अजमेर जवाजा के जंगलों में शनिवार सुबह बालू ने आतंक मचा दिया, जहां सूचना पाकर वन विभाग की टीम पहुंची। मामले की सूचना पर वन अधिकारी और जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा की पत्नी सुदीप कौर भी बालू को काबू करने के लिए पहुंची। इस दौरान जयपुर से आई टीम ने ट्रैंक्विलाइजर करने का प्रयास किया, उसी दौरान बालू ने हमला कर दिया, जिसके चलते हंडकंप मच गया और बालू बेकाबू हो गया। लेकिन वन अधिकारी सुदीप कौर गिर गईं, जिनके हाथों में गहरी चोट आई है, जिन्हें जल्द ही नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। इस दौरान बालू वहां से भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक बालू का पता नहीं चल पाया है। वन अधिकारी सुधीर कौर की सूचना मिलने और जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे।